महाराज याति की रास्ता को रोका और एक सवाल किया, महाराज मेरे प्रश्न का उत्तर दो। बोले क्या? कि दूल्हा की शादी में जो दहेज आता है वो दहेज किसका होता है? क्यों दूल्हा की शादी में दहेज आवे, दहेज कौन को होवे? कौन को होवे? बहू को, जो गरीब बहू को होते हैं। दहेज क्या है? दुल्हन ही दहेज है। तुम तो जो कह रही बहू को, तो बहू तो खुद आई है दहेज में। कौन को होवे? दूल्हा को। कौन को होवे? दूल्हा को। याति की रास्ता घेरी, शर्मिष्ठा पूछती है, महाराज ये बताइए कि दूल्हा की शादी में दहेज आवे वो कौन को होवे? याति हंस के बोले, भाई दूल्हा की शादी में जो दहेज आवे दूल्हा को ही होवे। शर्मिष्ठा कहने लगी, महाराज उस दहेज में मैं भी आई हूं, सारे दिन सारी रात आप देवयानी के पास रहते हैं, आप मेरे पास क्यों नहीं आते? अब तो महाराज याति जी देवयानी से छुपकर शर्मिष्ठा के पास भी आने जाने लगे। भगवान की कृपा से तीन प्रसव में शर्मिष्ठा से भी तीन बालक हुए, जिनके नाम रखे हैं अनु, ध्रुव और पुरु। एक दिन की बात, देवयानी के दो बच्चे हैं यदु तुर्वस, आंगन में बैठे बैठे लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। याति बैठे बैठे देख रहे हैं। याति ने देखा तो याति कहने लगे, मूर्खो जाकर के देखो, शर्मिष्ठा के तीन तीन बच्चे खेल रहे हैं, इतने प्यार से रहते हैं, कभी झगड़ा नहीं करते। तुम दो से सलाह से नहीं रहा जाता? और ये बात सुनी शर्मिष्ठा ने, वो देवयानी ने, और जैसे ये बात देवयानी ने सुनी, देवयानी आग बबूला हो गई। बोले क्या कहा? शर्मिष्ठा के तीन बच्चे, मेरे पिता ने आपसे पहले ही मना किया था कि बांदी से रति आश्रय नहीं करोगे, फिर उसके तीन बच्चे कैसे? जा रही हूं मैं, जा रही हूं। इतनी कहें कि देवयानी ने कहा, गुरु एक लल्ला को उठायो, जा बगल में दबायो, एक को उठायो, आजकल की तरह घर में खटपट होए तो ये वाली बच्चा पहले विनती है, बाप के घर को भागन काजे। देवयानी ने दोनों बच्चों को उठाया, दौड़ पड़ी। यति बोले, रुको मेरी बात सुनो। बोले बिल्कुल नहीं सुनूंगी। बोली, करी है तूने घटियाई, तो कूदूंगी सबक सिखाई। करी है तूने घटियाई, तो कूदूंगी सबक सिखाई।
बोले रुको मेरी बात सुनो। बोले बिल्कुल नहीं। दौड़ती हुई पिता शुक्राचार्य के पास पहुंची। शुक्राचार्य ने देखो बिटिया का बात दमाद ना आए, जवाब दो पिताजी।